देख रहे हैं, बोल रही हैं यहाँ पे एसी थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, दिक्कत कर रहा है। और पीछे यहाँ पे और एक रूम है, यहाँ पे वैसे एक रूम का बेड वगैरह सब खाली है, यहाँ पर पार्टीशन है। सोऊंगी आज, पता नहीं मुझे नींद आएगी कि नहीं आज। और एसी जो कि यहाँ पे लगा हुआ है मगर वो ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है वर्किंग, मगर ठीक है। वैसे तो देखिए बेबीज़ का फ़ोटोज़, तो मैं इस वाले बेड पे सोऊंगी और रूम सब दिखा देती हूँ। यहाँ पे बेड खाली है, वहाँ पे बेबी को रखा जाएगा। और ये देखिए सिस्टर निर्धन आई हुई है, तो पढ़ाई शराई कर रही है। और यहाँ पे बेबी के सब कुछ हमने अरेंजमेंट करके रखा हुआ है यहाँ पे रूम पे। तो बस नींद तो नहीं आ रही है, मैंने थोड़ा डिनर हल्का फुल्का मतलब डिनर वगैरह कर लिया है। और देख सकते हैं पूरा रूम हॉस्पिटल का, जिस रूम पे मैं हूँ। तो ये है यहाँ पे सिस्टर सोने वाली है। और यहाँ पे देखिए एसी मतलब ख़राब हो चुका है ना, तो एसी के जितने भी सारे फ़ैन है वो सारे हमने जला दिए हैं। एसी जो है मैंने चेंज कर लिया, मैं 90 पे आ गई हूँ क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्मी मैं फील कर रही हूँ, तो हल्का फुल्का रहूँगी, तो मैंने चेंज कर लिया इसके लिए। यस काफ़ी है ना। हाँ ये वाला फ़ैन है तो डायरेक्ट हवा मिलेगा इसमें। यू आर लुकिंग नाइस। मम्मी कहती है ना डिलीवरी के बाद ना गर्मी थोड़ा कम लगती है। हाँ सही बात है, क्योंकि अभी हैवी है ना बहुत ज़्यादा इसीलिए। तो यहाँ पे बेबी आने के बाद बेबी को इसमें रखेंगे। और ये है सारा हमारा लगेज जो भी है। टाइम भी शायद 10:30 हो चुका होगा ना। हाँ 10:15 हो रहा है। काफ़ी टाइम है, मगर बात है ना मुझे नींद आई भी नहीं। कल मैं रात भर सिर्फ रात भर मुझे बिल्कुल एक सेकंड की भी नींद नहीं आई थी। 15 मिनट सो से नींद आया था मगर मैं सो नहीं पाई। फिर दोपहर को मैंने सिर्फ 2 घंटे मुझे नींद आया था। अब तक बिल्कुल मैं सोई नहीं हूँ, पता नहीं अब रह नहीं पाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा वीकनेस टायर्ड लग फील कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ सोने की कोशिश करूँ। ये सेम हॉस्पिटल है, सेम बेड है जहाँ पे मेरा डिलीवरी हुआ था आपसे। जब मैं होंगी हॉस्पिटल में मुझे मतलब नींद नहीं आएगा है ना। यस यस नहीं होगा, नींद नहीं आएगा, तो इसलिए चाहती हूँ कैसे हो जाऊँ। तो सेम बेड पे जो है कि मैं टायर्ड हूँ अभी। तो ये सेम बेड है जहाँ पे मेरा डिलीवरी के दिन मैं यहाँ पे एडमिट हुई थी। और आज ठीक 4.5 महीने के बाद मेरी सिस्टर उसी बेड पे और मैं उसकी जगह पे बैठी हूँ सामने, है ना। तो ना मैं रेडी हो गई। वाओ हाँ ये ऐसे ही ऐसे होता है ये। चलो मैं जाती हूँ, बाय बाय। वीडियो कॉलिंग भी हो रही है इसका। तो अभी कैनोला लग चुका है और यहाँ पे स्लाइन चल रहा है। बहुत नींद आ रही है मुझे। मॉर्निंग फ्रेंड्स,
कैसा लग रहा है आपका? आपको खुशी फील हो रही है? बहुत बहुत खुशी। तो यहाँ पे जो है सलाइन अभी चलना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि कल रात से इसके पेट में कुछ भी नहीं है और इसे अभी थोड़ा थोड़ा भूख भी लग रहा है। तो अंदर थोड़ा ही लग रहा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने जो भी खाया था ना, कितने मुझे खाया था, मैंने लास्ट डिनर जब किया था मैंने 8:30 तक कम्प्लीट कर लिया था। उसके बाद मुझे एनीमिया दिया गया। एनीमिया देने के बाद तो मैं वॉशरूम गई, उसके बाद मुझे वॉमिटिंग भी हो गई थी। जैसे पहले हुआ करता था ना वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुआ। वॉमिटिंग होने के बाद मैंने नहा लिया, फ्रेश हो गई, जैसे रूम में मुझे भूख लगना स्टार्ट हो गया। तो अभी उसे ओटी में लेके जाएंगे 6:45 को। तो अभी मैं थोड़ा जाके सोने वाली हूँ, क्योंकि कल रात को तो अच्छी खासी नींद आई थी और रूम में भी कोई नहीं है। देखिए अभी भी कोई नहीं है, नर्सेस आ रहे हैं, बराबर देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं नर्सेस। डॉक्टर आएंगे 7:00 हाँ, और मेरा जो 6:30 हाँ 6:30 और डिलीवरी का टाइमिंग है 7:00। तो आप लोग मुझे ब्लेसिंग्स देते हुए ये हाँ दुआ कीजिए मेरे लिए, प्रे कीजिए कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, सेफ्टी हो जाए, बेबी बिल्कुल हेल्दी हो। और बस 2 ही घंटे बचे हैं गुड न्यूज़ हमें मिलने को। अभी घर से भी पेरेंट्स आ जाएंगे, तो मिलते हैं कुछ देर के बाद। बोल दो बाय बाय। तो बाहर का नज़ारा भी आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ यहाँ से। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 AM। तो चलिए सिस्टर्स से आप दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे फ़ैन लगे हुए हैं, क्योंकि AC अभी काम नहीं कर रहे फ़िलहाल। ये वाला हाँ हाँ, ये एक्चुअली भूख जब मतलब ना लगने के लिए ना ये चढ़ा देते हैं ताकि तुम्हें एनर्जी भी मिलती रहे। सलाम की भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे अभी जो स्क्रीन लगा दिए हैं, मतलब अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, ये बेबी होने के बाद जो है ये भी स्टार्ट हो जाएगा। नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, एक सेकंड भी मैं सो रही हूँ। और आज के दिन गोते किसी को भी नहीं रहते, कम हो रहा है, समय चल रहा है। हाँ 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 हाँ, ये देखो ना हो रहा है यहाँ पे। और अभी नींद तुम्हें फाइनली कब आएगी बताओ? 5 डेज के बाद नींद की दवाई देंगे ना? हाँ नींद की दवाई देंगे, बट वो भी थोड़ी मोड़ी होगी। फिर जब नींद उठी खुल जाएगी तो फिर थोड़ा सा पेन होगा वो सब। तो ये जो है गाउन भी पहना दिए हैं उनको। हाँ आज और कुछ ही क्षण बाकी हैं। और घर से सब आ रहे हैं। हाँ हाँ, अभी वो 6 बजे तक मतलब पहुँच जाएंगे। हाँ 6 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। तो कल रात को मैं यहाँ पे सोई थी, यहाँ पे जान में जाने हैं। और एक अभी जान निकलने वाला है बाबा। अब कितना बज रहा है टाइम? अब 6 बज रहे बस, आज 45 मिनट्स। यस, फिर आपकी जो वेटिंग है वो ख़त्म होगी। क्या वेटिंग? वेटिंग हजबेंड भी नहीं सोए रात पर, मेरे वजह से 3 बजे उठते हैं, सबको सीधा भी नहीं। अभी इसके बाद से 4-5 महीना हमें तक ऐसे भी नींद नहीं आएगा। 4-5 महीने तक वैसे भी नींद नहीं आने वाला है। কিরকম তাহলে উদাস? ও খেয়েছে তো? ও বাবা আসছে, আর এটা সরিয়েছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, বসে পড়ো। আচ্ছা মাম্মি ফাইনালি আ গই। হ্যাঁ ওকে দিছিল, আর মনে হয় ওকে অন্য রুমে দিছিল।
तो पापा भी आ गए ना ना কি কই বুঝলা ও হো হ্যাঁ ও ঘুমাইনি দেড়টার সময় ঘুমেছে তিনটার সময় তোমার তো ঘুমাচ্ছে কটার থেকে রেডি হতে শোনা